हेलो गाइस, मैं रोशन कुमार सिंह, हम अपने रोशन माला ब्लॉग में आप सभी तमाम ऑडियंस का स्वागत करते हैं। तो आज मेरे साथ में खुशी है और मेरी सासू माँ है। हम लोग एम्स से लौटने के क्रम में आप ये देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये जेपी सेतु का नज़ारा है। तो हम सोचे कि अपने ऑडियंस को आज जेपी सेतु पुल के बारे में बताएं। और जेपी सेतु पुल है ये, और ठीक अभी हम गंगा नदी को पार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं गंगा नदी का नज़ारा है। ये गंगा नदी अभी पानी कम है, जब सावन भादों का समय होता है तो उस समय पानी पूरा रहता है। ये आप देख सकते हैं, पहले बोला जाता था कि महात्मा गांधी सेतु पुल जो पटना में है वो पुल विश्व के सबसे लंबा पुल था। आज उससे भी ये हमें लगता है कि बड़ा पुल है ये जेपी सेतु, जो कि ठीक है ये भी गंगा नदी पर ही है और ये दीघा घाट पर बना हुआ है। ये देख सकते हैं कितना लंबा पुल है और चौड़ा भी है काफ़ी। इसकी चौड़ाई लगभग 30-35 फीट से कम नहीं है और दोहरी, एक तरफ से गाड़ी आती है तो एक तरफ से जाती है। ये पुल बन जाने से उत्तर बिहार से जो संपर्क है वो संपर्क हम लोगों का और मजबूत हो गया। जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को बीच में काटती है ये गंगा नदी, तो ये गंगा पर पुल बना हुआ है, गंगा नदी पर स्थित है ये पुल। तो आप लोग देख सकते हैं इसका नज़ारा। अभी ये जितने भी लोहा बने हुए हैं ये लगा हुआ है तो ये सारे लोहा पेंट हो रहे हैं। और ये हम आज उम्मीद करते हैं कि जनवरी के पटना में भी एक बार आना हुआ था तो उस समय से पेंटिंग का काम लगा हुआ है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आप लोग देख सकते हैं आगे काम चल रहा है, कुछ काम हो गया है इस पुल का। तो बने रहे इस वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को हमको लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को अपना प्यार सम्मान दीजिए, आगे बढ़ाइए रोशन माला ब्लॉग। आप लोग वीडियो में बने रहें, देख सकते हैं और इस पुल के बन जाने से जो गांधी सेतु पुल पर जाम लगा रहता था वो जाम अब समाप्त हो गया इस पुल के बन जाने से। तो आप लोग ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। लंबा पुल है जेपी सेतु की एक विशेषता और यह है कि ऊपर से सड़क मार्ग बना है और नीचे से रेल रूट भी बना है। इस पुल के नीचे रेलवे का भी पुल बना है और इसके ठीक बाएं साइड और दाएं साइड जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बना हुआ है कि पैदल आने जाने में उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई गाड़ी उनको पैदल चलने में बाधा ना हो, तो उसको लेकर के भी एक बहुत अच्छा ये पुल पर सुविधा है। देख सकते हैं यहाँ पर पैदल चलने वाला व्यक्ति इधर से जा सकता है और ठीक उधर भी बना हुआ है, पैदल चलने वाला व्यक्ति उस रूट से जा सकता है।
बिहार को जोड़ने वाला सड़क का सबसे बड़ा पुल हमको लगता है बिहार का सबसे बड़ा यह हो गया जेपी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को।